आप में से कोई ऑफेंस वगैरह तो नहीं लेता है ना? है नहीं लेता ना? बोलो ना, नहीं लेता हूँ। थैंक यू भाई। ओ यार, क्योंकि ना बहुत दिक्कत हो जाती है यार, कुछ भी इस टाइप का कंटेंट कर दो ना तो लोग एकदम दिल पे लेके बुरा मान जाते हैं। और मेरी बातों को तो बिल्कुल ही दिल पे मत लेना। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं एथीस्ट हूँ, है ना, मैं भगवान में नहीं मानता। मैं वहाँ बिल्कुल टेक्निकल हो जाता हूँ कि नहीं नहीं बिग बैंग हुआ था, क्वांटम फिजिक्स जैसे वर्ड्स यूज करने लग जाता हूँ कि प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का कुछ चल रहा है। मेरी बातों को तो बिल्कुल ही ध्यान मत देना। इसके प्रूफ भी इकट्ठा कर रखे हैं मैंने, कि साथ होटल से निकले थे। गाइस, ये सब तो हो गई फालतू की बात है, ठीक है। अब मैं तुमसे रियल बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने पूरा शो रखा, जो मेरा डर है, ठीक है। मैं आप लोग को एक डर शेयर करना चाहता हूँ, आप बताना आप में ये डर है कि नहीं। मुझे लगता है कि यार कुछ ही साल बचे हैं हमारी खुशियों के, कुछ साल बाद लड़कियां जो हैं वो सेक्स करना छोड़ ही देंगी, वो गिव अप कर देंगी। मैं बताता हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि पहली बात मुझे लगता है लड़कियों को कुछ खास पसंद है भी नहीं, हम ही मैन्युपुलेट करते रहते हैं। क्या रे, मजा आता है, एक बार करके तो देखो। मैं अलग हूं, मैं बता रहा हूँ लड़कियों को कुछ खास मन है नहीं। जैसे मेरी बंदी की तो फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि घर सुंदर लगना चाहिए, वो इसके ऊपर बढ़ ही नहीं पाती है। घर से मैं उसको जाकर बोला कि सुनो सेक्स करना है, कह रही हाँ पहले ना कपड़े फोल्ड करा दो। अब मैं खड़े लैंड के साथ कपड़े फोल्ड करा रहा हूं। मैंने कपड़े फोल्ड कराए, मैंने बोला अब सेक्स करना, कह रही हाँ अब ये गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दो। कोई बात नहीं, सेक्स करेंगे भाई, मैंने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले। मैंने बोला हाँ अब सेक्स करना है, कहती हाँ अब तो मुठ मार लो, ये कोई तरीका है अपने बंदे से बात करने का? कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ लड़कियों को कुछ खास मन है नहीं। दूसरा, दो तीन लड़कियों का मन है सेक्स करने का, दो तीन ही लड़कियां हैं, कार्डी बी, आइस स्पाइस, निकी मिनाज, यही तीन, यही बस अपने गानों में बोलती हैं कि सेक्स करने में मजा आता है। और इनकी फैंस होते हैं कि वो ऐसे बोलते हैं कि दीदी आपकी लाज रखने के लिए कर लेंगी, हमारा कुछ खास मन है नहीं वैसे। मैं बता रहा हूँ भाई, लड़कियों को कुछ खास मन नहीं है। दूसरा, हम ना लड़के उतना अच्छा करते भी नहीं है इसमें। मैंने देखा सिर्फ लड़कियां खिलखिलाती हैं, लड़के मुझे घूरने ही लग जाते हैं कि भाई अपनी बात कर, हम तो बढ़िया ही कर रहे हैं, ठीक है ना, तेरा होगा छोटा लंड, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझे भी लगता था मैं बढ़िया करता हूँ। पता है भ्रम कब टूटता है? जब 1.5 साल बाद गलती से एक फ्लोर फ्लोर में सेशन में कुछ अच्छा कर जाओ तुम, और तुम्हारी बंदी बोलती है जो तुमने अभी किया है तुम कर सकती थे। तब लगता है मैं तो क्या कर रहा था, अब तक झूठ बोल रही थी तुम मुझसे। और फिर ना वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आती है कि जो तुमने अभी किया ना ये तुम फिर से कर पाओगे। और फिर सारे लड़कों की ना गांड पड़ जाती है कि नहीं नहीं ये सिर्फ एक ही रात का था, मैं सिर्फ अमावस की रात को ही करता हूं। अब एक काम करो, अब एक काम करो, अब तुम मुठ मार लो ऐसे। मैं बता रहा हूँ भाई, लड़कियों को कुछ खास मन नहीं, हम अच्छा भी नहीं करते हैं। तीसरा, हमने ना थोड़ा ओवरसेल भी कर दिया, मुझे लगता है लड़कों ने ओवरसेल कर दिया सेक्स, है ना। आपको नहीं लगता ऐसे डिक पिक भेजते रहते बिन बात, डिक पिक भेज देते हैं, फ्लैश कर देते हैं लड़कियों को ऐसे बिना कंसेंट के लंड दिखाते हैं। बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। मेरी एक्स ने मुझे 3 स्टोरीज ऐसी बताई थी जब बिना कंसेंट के उसे लंड दिखा दिया था, मतलब मुझे हटा के 2 स्टोरीज थी, बट बहुत मेजर इशू है ये, ठीक है। मैं बता रहा हूँ भाई, लड़कियों को ना नहीं चाहिए भाई सेक्स वगैरह, लड़कियों को ना प्यार चाहिए रहता है, ठीक है। उनको प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, अटेंशन चाहिए रहता है, ठीक है। उनको वो हुकअप भी इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए रहती है, ठीक है। मुझे सब पता है, मैंने कोरा पे पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ भाई, लड़कियों को प्यार चाहिए रहता है, और लड़के ना प्यार प्रोवाइड करते थे, है ना, और लड़कों को बदले में सेक्स चाहिए रहता है। तो ना बस लड़कियां लूप में फंस गई, और लड़कियों ने ना बहुत स्मार्टली फिगर आउट कर लिया था कि भाई लड़कों से क्यों चाहिए प्यार, है ना।
क्योंकि सारी बहनों ने डिस्कशन किया होगा ना कि गर्ल्स हम लोग आपस में क्यों नहीं प्यार कर लेते हैं, है ना, क्योंकि एडम और ईव तो स्ट्रेट ही थे। बीच एवोल्यूशन में लड़कियों ने बोला ना कि अब ब्लड नहीं चाहिए, है ना, तभी तो लेस्बियंस बनी। और लड़कों ने बोला कि भाई लंड कहीं तो डालेंगे, आप समझ रहे हो, है ना, तभी तो गे और लेस्बियंस बने। आप आ रहे हो ना इस थॉट पे मेरे साथ भाई, ये कंटिन्यू होता है, मैं बता रहा हूँ, पूरे अर्थ पे सिर्फ गे और लेस्बियंस ही होते, बट ये रुक गया, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि उस टाइम ना लड़के वापस आए होंगे और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमें ना अर्थ पॉपुलेट करना है तो सेक्स तो करना ही पड़ेगा। अब पता दिक्कत क्या है कि 2023 में हम ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप लोग को पता है साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि बिना सेक्स बिना पेनिट्रेशन के बच्चा हो सकता है, पता है आप लोग, आप देख रहे हो साइंस कितना अगेंस्ट है हम मर्दों के, वो चाहते नहीं हम खुश रहे। मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी इतनी अगेंस्ट है हमारे, मैंने लाइफ में अपनी कभी नहीं इमेजिन किया था कि मैं एक वाइब्रेटर से इतना इनसिक्योर फील करूंगा। पता है वो यंत्र वो चलता ही रहता है भाई, वो नहीं रुकता किसी के लिए, चार टाइप की वाइब्रेशन है उसमें, मेरे लड़के पास एक नहीं है ढंग की। मेरे लड़के एक वाइब्रेशन धन धन धन, सोने का टाइम हो गया है भाई। मेरी बंदी के पास पिंक कलर का वाइब्रेटर है, तो उसके सामने तो मेरा लड़का इतना भद्दा लगता है ना, कोई कंपटीशन ही नहीं हमारे बीच। मेरे लंड का मॉरल इतना डाउन रहता है ना कि भाई उनको अपना खेलने दे, हम अपना अलग खेल लेंगे भाई। तू बस हमारा फेस ऑफ मत करवा बस, तू कैसे जीता अपने लंड को बता, क्या करूं पिंक पेंट कर दूं, क्या करूं बॉल्स के नीचे मोटर लगा दो छोटी सी, हा? चलता रहेगा। आप लोग डर नहीं रहे हो मैं देख रहा हूं, गलती से एक वाइब्रेटर ऐसा आ गया ना जो ऑर्गेज्म के साथ साथ आई अंडरस्टैंड बोल दे, हम सबका गेम खत्म है भाई। आप लोग थोड़ा डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो, मैं बता रहा हूँ भाई कन्वर्जन हो जाएगा, पूरा गे लेस्बियन बन जाएंगे सब। आप लोग थोड़ा डरो, ठीक है, ढंग से सेक्स वेक्स करो, ठीक है ना। अपना सर आप बताओ आपको कैसा लगा है, आप में एक बिलीव नहीं दिख रहा है कि ऐसा होने वाला है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। जब कुछ साल बाद आपका बेटा मधुर विरली हॉट वीडियो सर्च करेगा ना तब। Thank you for listening. That's been my time. You are a lovely audience. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Tuck, tuck, tuck. Lagi tere pe patak diye hosh tune mere. Ek tera shak, tera shak. Ek tera shak le doobega. Aur ye waqt, tera shak nahi to waqt le doobega. Sachi, pyar, tera pyar. Hai, 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 hai